नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रातः 7:51 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 10 जुलाई 2024 बुधवार का दिन है। आज मगर नक्षत्र व्यतिपात योग तथा विष्टिकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन सिंह राशि से रहेगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 7:17 से प्रातः 8:58 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना, कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय प्रातः 7:55 से प्रातः 8:20 तक, फिर दोपहर 12:57 से दोपहर 3:13 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 8:20 तक, फिर दोपहर 1 बजे से दोपहर 3:10 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। आज सूर्य ग्रह मिथुन राशि में, चंद्र ग्रह सिंह राशि में, बुध व शुक्र ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब देखते हैं 12 राशियों के आज के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। सेहत शानदार रहेगी, शांत तथा तनाव रहित रहेंगे। बच्चों का महत्वपूर्ण कॉलेज में एडमिशन होने के कारण घर में हर्षोल्लास बना रहेगा। जीवन के खालीपन को भरने के लिए महिला मित्र का सानिध्य मिल सकता है। रोमांटिक पलों को बिताने का समय है। बाहर का खाना खाने का शौक बढ़ सकता है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम पलों को ला रहा है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान की आदतों पर काबू पाना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हार्ड ड्रिंक व नॉनवेज का प्रयोग स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। माताजी या मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बन सकता है। घर के फर्नीचर को बदलने की संभावना है। पिताजी आज पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। राशि से चंद्रमा का तीसरे घर से भ्रमण शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पारिवारिक दायित्व को पूरा करने में छोटे भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीतिक लोगों का पुराना मान सम्मान वापस लौट सकता है। वर्क एफिशिएंसी के कारण आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से अच्छा रहेगा। सेहत को बेहतर करने के लिए किसी फिटनेस एक्सपर्ट या योगा टीचर की सलाह ले सकते हैं। कर्क राशि वाले यदि भावनाओं पर नियंत्रण रखें तो हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से आपका बचना ठीक रहेगा। धन आगमन कई स्रोतों से हो सकता है। पिकनिक पर जाने की संभावनाएं हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे अवसरों को ला रहा है। फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ सकती है। चंद्रमा से राशि के भ्रमण के कारण जीवन के प्रति उत्साह बढ़ेगा व शरीर में नई ऊर्जा जागृत होगी। बिजनेस को बढ़ाने का निर्णय सोच समझ कर लें। व्यापारिक साझेदारी शुरू हो सकती है। ईगो छोड़कर रिश्तेदारों के साथ बेहतर संबंधों की पहल करनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। महिलाएं तथा युवतियां फिटनेस के लिए एरोबिक या डांस क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। आपकी भावनाओं को समझने वाले से मुलाकात हो सकती है। राशि से चंद्रमा के 12वें घर से भ्रमण के कारण पूर्व दिशा में व्यापारिक यात्रा पर जाना लाभ का सौदा रहेगा। गणेश जी की पूजा करें व दूर्वा घास अर्पित करें।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार तथा नए अवसरों को ला रहा है। सोच सकारात्मक रहेगी, कारोबार को बेहतर करने के लिए नए विचार उत्पन्न होंगे। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए अध्यात्म संबंधी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। महिलाएं तथा युवतियां फैशन एक्टिंग के क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा सकती हैं। कानूनी विभाग में कार्यरत लोगों की उन्नति संभव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा, कार्यकुशलता के कारण वेतन में वृद्धि हो सकती है। मैरीन इंजीनियर जुडिशरी तथा सैन्य बलों से जुड़े लोगों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी के मुकदमे का निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। विद्यार्थी करियर के किस क्षेत्र में आगे बढ़ें इस पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण तथा नई आशा को लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। ऑफिस का पेंडिंग कार्य सहकर्मियों के सहयोग से समय पर पूरा कर लेंगे। चंद्रमा के राशि से भाग्य स्थान में भ्रमण से व्यापार में आई रुकावटें दूर होंगी। बढ़ी हुई सैलरी व बढ़े हुए पद के साथ नई जॉब लग सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन चिंता तथा उलझनों से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, ऑफिस में साथी कर्मचारी से मतभेद हो सकते हैं। राजनीतिक लोग षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कारोबारी सप्लायर तथा डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति करने का निर्णय ना लें। शरीर में विटामिन डी, विटामिन B12 तथा आयरन की कमी दूर करने के लिए पौष्टिक आहार लेना उचित रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहेगा। आलस से दूर होगा, सारे दिन नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों से टाई अप हो सकता है। कॉरपोरेट मुकदमे में विजय मिल सकती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए साझेदार को शामिल कर सकते हैं। जीवन साथी की थायराइड संबंधी बीमारी का उचित इलाज शुरू हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, लीवर तथा गॉल ब्लैडर संबंधी बीमारी हो सकती हैं। लंबे समय से ड्यू हेल्थ चेकअप कराना उचित रहेगा। विरोधियों को हराने की अलग रणनीति पर कार्य करेंगे। उच्च अधिकारियों से विवाद के कारण दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो सकता है। पारिवारिक बुजुर्ग को हेल्थ इशू हो सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वास्तु ज्ञान की। भवन निर्माण में यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि जिस जमीन पर भवन निर्माण, कॉलोनी या टाउनशिप का निर्माण हो रहा है, उस भूमि का स्वरूप क्या है। जिस भूमि पर उगे वृक्षों या पौधों पर फूल, बेल, पत्तियां तथा वनस्पतियां हरी भरी रहती हैं, तो वह भवन निर्माण के लिए भूमि उत्तम भूमि कहलाती है। अमरूद, आम, पलाश, आंवला के वृक्ष यदि उस भूमि पर होते हैं तो ऐसी भूमि भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है। भराव की भूमि, उबड़ खाबड़, ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, दुर्गंध युक्त भूमि भवन निर्माण या टाउनशिप के लिए शुभ नहीं होती। ऐसी भूमि पर भवन निर्माण करना बिल्डर्स तथा भूस्वामी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता तथा आर्थिक प्रगति रुक जाती है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।